नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर रोहित। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लर्निंग लाइसेंस एग्जाम को एक कटअप में पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अगर बताना चाहूंगा, अगर आप कोई लर्निंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया ऑनलाइन या ऑफलाइन और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उस एग्ज़ाम को एक कटअप में पास कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने जाता हूँ कि कैसे आप अपने लर्निंग लाइसेंस एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी हो, टू व्हीलर को, कार का हो, एक अटैम्प में पास कर सकते हैं। कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम फ्री है। और साथ ही साथ इस बेल वाले आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, लर्निंग लाइसेंस को कैसे पास करना है, ये बात की बात है। सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आखिर आता क्या है, ठीक है। तो बहुत से लोग ये नेट में सर्च करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम को एक अटैम्प्ट में कैसे पास करना है, क्योंकि अगर आपने एक अटैम्प्ट में पेपर नहीं पास किया तो आपको दोबारा 50 रुपये की फ़ीस दे के जो है फिर से एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। बोर्ड में आपको आसान से सवाल पूछे जाते थे, सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना पड़ता था, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है वो काफ़ी टिपिकल आ रहा है, ठीक है। तो सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक पेपर देना होता है, एग्ज़ाम देना होता है ऑनलाइन, जिसमें आपसे 15 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके 60% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 15 में से आपके 9 सवाल जो हैं सही होने चाहिए, तब जाके आप पास हो जाएंगे, ठीक है। जैसे और हर एक सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और एक सवाल को आंसर करने के लिए आपके पास होते हैं 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर आप आंसर नहीं दे पाते या सोचने में ही टाइम बिता देते हैं, तो उस क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे 0, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर आपको उस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। आगे मैं आपको ऑनलाइन डेमो आपको दिखाऊंगा किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और 15 सवाल पूछे जाएंगे, लाइन से 15 सवाल चलते जाते हैं जब तक कि आपके 9 नंबर नहीं आते। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शन आएंगे, अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है और सबमिट करना है, अगर सही हुआ तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत हुआ तो रेड हो जाएगा। आपके मार्क्स अगर ग्रीन होता जाता है तो आपके मार्क्स जैसे 9 होंगे तो पेपर आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन में लिख के आ जाएगा पास। और जैसे आप पास करेंगे उसी की रात को आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा और उसी समय से आप अपना लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको जो है लर्निंग लाइसेंस आप प्रिंट कर सकते हैं ऑनलाइन इसी सारथी की वेबसाइट से, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं डेमो पे कि किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ और उसके बाद में बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी कि आप इस पेपर को एक अटैम्प्ट में पास कर सकें, ठीक है। तो ये है सारथी की वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट में आपको आना है, ठीक है, वेबसाइट पर से दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइविंग लाइसेंस, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एलएल टेस्ट स्टॉल, ठीक है। तो इस ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा मॉक टेस्ट फॉर एलएल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल डालनी है मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको डालना है नाम, ठीक है। देखिए, नाम आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर किस टाइप का आता है। एक डेमो मॉक टेस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नाम कुछ भी डालें, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देखिए, जो मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आप देंगे लर्निंग लाइसेंस का, ठीक है, आरटीओ ऑफिस में, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो वेल, कुछ इस टाइप का एग्ज़ाम आपके सामने होता है, तो एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। साइन भी पूछ सकते हैं, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। कुछ क्वेश्चन में 3 ऑप्शन भी होते हैं, तो इनमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंफर्म करना है। अगर सही हुआ तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 30 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से इसका आंसर दे देते हैं। अब इसको कन्फर्म करना है। जैसे आपने कंफर्म किया, अगर एक ग्रीन हो गया तो आपका जो जवाब एकदम सही है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करते करते आपको 15 में से 9 बनाने, 9 अगर बना ले जाएंगे
तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके 9 नहीं बनते हैं 15 सवालों में से तो आप फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा 50 रुपये खर्च करके दूसरे दिन से फिर से आप एग्ज़ाम इसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो तरीका यही है और फॉर्मेट कुछ इसी टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है कि डेमो। तो चलिए अब जानते हैं फाइनली कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं कि किस तरह से आपको जो है लर्निंग लाइसेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप एक अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना है सारथी की होम पेज पे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में ऑप्शन आपको दिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके सबसे सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आपको जाना है एल एल टेस्ट ब्रैकेट में स्टॉल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन खुलेंगे और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन खुलेगा सैम्पल क्वेश्चन बैंक, तो इसको आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और ये है पीडीएफ लर्निंग लाइसेंस के जो पूछे गए सवाल हैं उसका क्वेश्चन बैंक। वेल स्ट्रेटजी यही है कि आपको इन क्वेश्चन बैंक सवाल को याद करने, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो भी सवाल आपके लर्निंग लाइसेंस एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे इसी पीडीएफ से आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया, चाहे आरटीओ के ऑफिस में हो चाहे सारथियों में, कोई भी नहीं बताता कि आपके एग्ज़ाम में आखिर आता क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस पीडीएफ क्वेश्चन बैंक को अगर आप याद कर लेते हैं तो गारंटीड, मेरी मानिए जैसे कि मैंने एक अटेम्प्ट में पास किया था एग्ज़ाम, तो आप भी जो है गारंटीड पास कर सकते हैं। सवाल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 400 जो है 36 सवाल हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा आपको 2 दिन लगेगा, ठीक है। आप 2 दिन में इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो बड़ी आसानी से आप एक अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सीरियल नंबर है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहले बॉक्स में उसके बाद 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और आंसर में जो उसका राइट ऑप्शन है वो उसका आंसर होगा। बस आपको इतना याद कर लेना है। साथ ही साथ आपको कभी कभी स्पेशल साइन भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है, ये 3 इसके ऑप्शन हो जाते हैं, जो उसका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है। बस आपको बस करना इतना, बस आपको याद कर लेना है। कोई भी लर्निंग लाइसेंस एग्जाम हो, चाहे कार का हो, टू व्हीलर का हो, विदाउट गियर, विद गियर, सारे के सारे सवाल आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। आप इसे रट लीजिए, मेरी मानिए 101% आप पास हो जाएंगे पहले अटेम्प्ट में, जैसे कि मैंने पास किया था। तो वेल यही है स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आप लर्निंग लाइसेंस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बैंक का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकें और उसे याद कर सकें, ताकि आप भी एक अटेम्प्ट में इस पेपर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।